गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज ना मैं आपको एक तूफान के आने के बाद जो शांति होती है ना, वो दिखाना चाहती थी, जो कि मैंने तो काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक कर चुकी हूँ। देखिए, इस साइड ना मेरी पूरी नेट लगी हुई थी, और कल का जो तूफान आया है, जो इतनी भयंकर बारिश आई है ना, उसने मेरा नुकसान कर दिया। और हमेशा ही ऐसा होता है, जब इतना तूफान आता है तो नुकसान हो ही जाता है, तो कभी कम कभी ज़्यादा। तो इस बार ये देखिए, मैंने जो डंडे बनवाए थे वो ही मुड़ गए, क्योंकि पूरी साइड से ना मैंने बाउंड्री वगैरह करके बिल्कुल टाइट बांधे हुए थे। तो देखिए, बिल्कुल कीले, फास्टनर वगैरह सब निकल गए, डंडे बिल्कुल बाहर आ गए हैं, जिससे कि जो नेट है पूरी ख़राब हो गई थी, पूरी खुल गई थी हर जगह से। इतने अच्छे इंतजाम करने के बाद देखिए, ऐसा तो कहते हैं ना कि नेचर के आगे किसी की जीत नहीं होती, तो ये साक्षात उदाहरण है। पूरी नेट मुझे निकालनी पड़ी, अब दोबारा से मुझे बुलाना पड़ेगा। ये देखिए, पूरा डंडा जो है ना वो मुड़ गया, मतलब इतना ज़्यादा तूफ़ान, इतनी ज़्यादा आंधी वगैरह और बारिश वगैरह बहुत तेज़ थी। तो ये तो तूफ़ान बिल्कुल मैंने समेट लिया उसके बाद की वीडियो, क्योंकि उस टाइम जो था ना, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी। क्योंकि जब इस टाइप से हुड़दुंग देखते हैं ना अपने गार्डन में तूफ़ान, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, नुकसान होता है। तो मैंने बड़े मन से इस टाइप से ग्रीन नेट वगैरह लगाई थी, अभी मुझे अभी 15-20 दिन ही हुए थे। तो दोबारा से मैं करूँगी इसका इंतजाम, क्योंकि ग्रीन नेट के बगैर तो गुजारा नहीं है। मैं आपको दूसरी साइड का पोर्शन भी दिखाती हूँ, वहाँ मैंने फ्रेमिंग करवाई थी तो बहुत थोड़ा सा कम नुकसान हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस साइड में ना फ्रेमिंग करवा रखी है, तो इससे काफ़ी हद तक मुझे नुकसान नहीं हुआ है। उस साइड मैंने नहीं करवाई थी फ्रेम वगैरह, मैंने बस ऐसे डंडे गड़वा के दीवार के साथ सेट करवा के, और मैंने ग्रीन नेट लगा रखी थी, तो डंडे भी टेढ़े हो गए। तो नेचर के आगे किसी की जीत नहीं है, वहाँ से सारी नेट वगैरह ना खुल गई है, क्योंकि सिंगल डोरी से बांधा हुआ था शायद, तो अब मैं इसको अपने हाथ से डबल डोरी से बांधूंगी, ताकि जो ये तूफ़ान आता है ना, तो इससे मुझे राहत मिले। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब तूफ़ान बारिश वगैरह आती है, क्या ऊपर हो चुका होगा, क्या नुकसान हो गया होगा, मेरा सारा ध्यान यहीं रहता है। और कल ना बहुत ज़्यादा अपसेट थी मैं, आप देखते उस टाइम कैसा हाल हो रखा था गार्डन का, और इतनी गंदगी, सारी ब्लॉकेज, पानी वानी सब जगह, मतलब बहुत ज़्यादा। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ इन चीज़ों से। तो दोस्तों, आज तो मन ठीक नहीं है और मन अपसेट भी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।